और ये पहले भक्त मिले हैं जो कि सिद्धाश्रम धाम से आए हैं। और हम लोगों का मुख्य मकसद क्या होता है कि आप लोगों में सच्चाई जाए, जो सच्चाई हो सच्चाई जाए। से आया हूँ दिसंबर आप कब से पंडोखर धाम में, आपका से। हाँ, क्या अनुभव है? अनुभव तो देख ही रहे हो, उसमें क्या बताना है। फिर भी आप कुछ बताइए अपना अनुभव, जो है आपकी जो दिसंबर से आ समस्या रहा हूँ, थी। हर महीने आ रहा हूँ, तो अगर जो है समस्या नहीं है, वो फायदा नहीं तो अन्य क्यों चैनलों आए। के माध्यम से कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है और कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिश किया जा रहा है और पब्लिक में इसका बुरा छाप जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई जनता समझदार है, किसी को बुरा कहने से किसी को कोई बुरा नहीं मानेगा। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं तेज प्रताप गोरखपुर से आया हूं। मैं पंडोखर धाम में, जो कि मध्य प्रदेश का एक त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार है, दतिया जिले के पंडोखर धाम में है। और यहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था शक्तिपुत्र महाराज और पंडोखर धाम से संबंधित, तो यह जानकारी लेने के लिए हम गोरखपुर से पंडोखर धाम में पधारे हैं। यहाँ देखिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हुई है। ये वो भक्त हैं जिनके कार्य सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कौन कहाँ से आया है। तो आप कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हुए हैं। आपके आपकी समस्या जो है वो सफल हुई कि नहीं हुई? हाँ, सफल हो गया। समस्या आपकी हाँ, सॉल्व हो और गई। एक सफल फिर दूसरा सफल में लेके आए हैं समस्या। आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से, बारा जिला। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पंडोखर धाम? मेरे को 2 महीने पहले आया था, अभी मेरा तारीख आया है, 13 तारीख का। गुरु जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, कल वो हुआ था यहाँ पे। तो आप पंडोखर धाम से संतुष्ट हैं? हाँ, आप कहाँ से आए हैं? संभल यूपी। यूपी से हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो अभी पहली बार आया, अभी नंबर नहीं आया। अभी अभी नंबर नहीं आया आपका, तो क्या आपको लग रहा है कि आप यहाँ आ करके संतुष्ट हैं पूरी तरीके से, जो आपकी समस्या है वो सॉल्व होगी? हाँ, उम्मीद है वो सॉल्व होगी। आप संतुष्ट हैं। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं, योगी के शहर से। क्या आप पंडोखर धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अभी हम सितंबर में आए और नंबर लगा कर चले गए, फिर अक्टूबर में आए, 5 दिन रहे, नंबर नहीं आया, चले गए। फिर दिवाली के बाद आए हैं, तो कल परसों चांस है कि नंबर मेरा आ जाएगा। आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ जो जनता कहती है उसके हिसाब से हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरा काम 100% हो जाएगा। अभी तक हमने कुछ भक्तों से बात की है और यहाँ पे सभी लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है कि इनका काम होगा। कुछ लोगों के काम हुए भी हैं। और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से? मिनगा सरावस्ती से, यूपी में पड़ता है। कब से आ रहे हैं आप? 18 सितम्बर से। 18 सितंबर से आ रहे हैं, 2022। हाँ भैया। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि आपका काम सफल होगा? हाँ भैया, सफल होगा लग रहा है। गुरु जी से मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई मुलाकात। क्या उम्र होगी आपकी लगभग? 18। 18 वर्ष की आयु में क्या आप धर्म और आस्था को लेकर के इतना विश्वसनीय हो गए कि आप अपनी समस्या को लेकर पंडोखर धाम में आए और आपकी समस्या यहाँ सॉल्व हो सकती है? भैया धन्यवाद। आगे चलते हैं, सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं राजस्थान से। आप कब से आ रहे हैं पंडोखर धाम में? मैं 4 महीने से आ रहा हूँ। तो आपकी समस्या चल रही होगी या गुरुजी से मुलाकात हुई कि नहीं? हाँ, वो होगी। तो आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया, आपकी समस्या कुछ सॉल्व हुई कि नहीं हुई? समस्या सॉल्व हो गई है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया है। इधर एक धाम है शक्तिपुत्र महाराज का, जो सिद्धाश्रम धाम है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंडोखर धाम में पैसा लूटा जा रहा है। लूटने और पैसा देने में क्या फर्क है, आप बताएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई गलत पैसा लग रहा नहीं है, जो भी है। कोई आपसे पैसा लूट कैसे सकता है? नहीं, लूटने का काम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम सही सही है कोई काम। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी पर्ची आप कटाए होंगे, यहाँ पे रसीद कटी होगी आपकी, जो पर्ची आप कटाए अपने स्वेच्छा से या किसी के दबाव में? नहीं नहीं स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, अपना मन से कितना श्रद्धा है अपनी वो हिसाब से। ये हमारे भाई साहब हैं कॉर्नर में, हम इनसे निवेदन करेंगे, आप नीचे हैं। आप कहाँ से? हम पटना से हैं जी। पटना से हैं, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, जानकारी? यहाँ हम तो यूट्यूब देख रहे थे, करीब लॉकडाउन से लगभग देख रहे हैं। तो एक सिद्धाश्रम धाम है, तो सिद्धाश्रम धाम में ऐसा बताया जा रहा है कि पंडोखर सरकार पैसा लूटते हैं और आप एक भक्त हैं, पैसा आप ही लोगों से आता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई यहाँ लूटने वाली काम नहीं होता है, लोग अपने मर्जी से जो है पर्ची कटाते हैं। और हम ये सितंबर माह 19 तारीख को आए थे, पर्ची खुद कटाए है ना, तो मेरा मर्जी था 2100 का कटाए, हम चाहते तो 1 रुपया के कटा सकते थे। और हम चाहते कि नहीं भाई, हम जल्दी, हमको दिखवाना है, जल्दी मिलना है, तो हम अपने चंद फायदा के लिए जो कटाते हैं
है ना, जो 21,000 51,000 या 11,000 की पर्ची कटती है उसमें स्वयं व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग पर्ची, हाँ व्यक्तिगत लाभ के, वो तो नहीं बोलते हैं कि आप आइए, अब मान लिया लाभ के लिए कटाते हैं तो वो पैसा जो है ट्रस्ट में जाता है, मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, लंगर चल रहा है, और भी बहुत विधि व्यवस्था जो भी है यहाँ का, अर्थव्यवस्था, अर्थ के बिना तो व्यवस्था होगा नहीं, तो उनके काल में जो लगता है, समझ रहे हैं, और किसी का नहीं है कि आप इतना का पर्ची कटाइए, आपको जल्दी के कारण जो आपके पास समय नहीं होता है, लगता है कि नहीं हम जल्दी कटवा के जो अपना काम मेरा हो जाए उसके लिए लोग कटाते हैं।